सतनाम वाहे गुरु साहिब जियो सोरठ महला नौवां। जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख स्नेह अर पह नहीं जाके कंचन माटी माने। जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख स्नेह अर पह नहीं जाके कंचन माटी माने। रहा नह निंदया नह उस्तत जाके लोभ मोह अभिमाना हरख सोग ते रह न्यारो नाह मान अपमाना। आसा मनसा सगल त्यागै जगते रह निरासा काम क्रोध जिह परसै नाहन तेह घट ब्रह्म निवासा। गुर कृपा जिह नर को कीनी तेह एह जुगत पछानी नानक लीन भयो गोविंद स्यों ज्यों पानी संग पानी। गुर कृपा जिह नर को कीनी तेह एह जुगत पछानी नानक लीन भयो गोविंद स्यों ज्यों पानी संग पानी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी दी अजीम अपार बख्शिश प्रभात समय सत्संगत दे समा सी मान रहे हैं। ओंटारियो खालसा दरबार तो गुरु हजूरी नूं मानदिया होया प्रभात समय दे दीवान चल रहे ने। खास करके अज तवारीखी दिवस चौथी पातशाही धन गुरु रामदास महाराज जी दे पावन पुरब नूं मनाउंदिया होया संगतां हाजरीन हो रही ने। सो पावन दीवाना दे विच आसा की वार दा कीर्तन होया है। उपरंत अज दा जो हुक्मनामा है उहदी असी हुण विचार करनी है। पावन बचना दा पाठ अजे हुणे दोहराया गया है। हुण बणदे समें विच इन गुरुवाकां दी तकरीर होएगी। अज दा इह गुरु हुकम राग सोरठ दी रचना है। महला नौवां गुरु तेग बहादुर पातशाह नौवें नानक इन्हां पावन बचना नूं उचरित कर रहे ने। जो महाराज ने संदेश इहदे च दित्ता आ जो रूहानी राह दा रागीर है जिस नूं असीं कहने आ कि द परसन हु इज मूविंग टूवर्ड द स्पिरिचुअल जर्नी फॉर दैट दिस इज ए आइडियल कंडीशन। उहदे वास्ते एक आदर्शक अवस्था है जिन्हों उसने मानना है। जे होर इसनों सही ढंग नाल कहा जाए पूरी मानवी जगत लई ये जरूरी है कि वह सिर्फ फिजिकल लैवल ते ना जीए बल्कि स्पिरिचुअल लैवल ते मेन अध्यात्मी परिपेख दे विच उहदे अंदर सोझी होवे। ते जिवें सोझी पैदा होएगी तो उहदा जीवन जिस डायरेक्शन नूं जाएगा उसनों महाराज ने इहदे च एक्सप्लेन किया उहदी इहदे च बात पाई गई है। महाराज जो बयान करते रहा उहदा बंद शुरुआती पदा आ बचनिया जो नर दुख मैं दुख नहीं मानै। जो नर दुख मैं दुख नहीं मानै अक्सर यह मनिया गया आपां कुछ धर्म करम करांगे आपां कुछ धार्मिक तौर पर कुछ क्रियाकलाप कुछ एक्टिविटीज़ विच पार्टिसिपेट करांगे दैन साडी जिहड़ी सफरिंग है साडा जिहड़ा सौरो है साडा जिहड़ा किसी लैवल का भी पेन ते ग्रीफ आ
इट्स गोना बी एलीमिनेटिड। बाबा जी कहिंदे ना किहड़ी दुनिया च रह रहे हैं बंदे तो, इत्थे कुदरत दा नियम आ, सफरिंग इज द लॉ ऑफ मदर नेचर, इहदे उहदे नाल ही आउंदी है। जीवन इट सैल्फ इज ए सफरिंग इन ए वे यू कैन से। जे मैं जीवन मान रहा, तुसी जीवन मान रहे हो, किसी ने बड़ी सफरिंग्स विचों गुजरना किया, होर कोई ना होए, मेरी माँ तो है, दैट्स वाई लाइफ इज हैपनिंग हेयर। ये थोड़ा हो सकता है कि जिहड़ी वो सारा प्रोसैस ऑफ बर्थ आ, की है मौत का दरवाजा लंघना असल दे विच, इट्स अ सफरिंग, इट्स अ पेन, इट्स अ वेरी काइंड ऑफ सोरोफुल मूवमेंट। इसलिए दुख जीवन में ना आवे ये तो पॉसिबल ही नहीं हैगा, ये तो आएगा ही आएगा पक्का आ, कोई एक्सैप्शनल नहीं हैगा। बाबा जी के बचन बड़े यूनीवर्सल ने। बाबा जी कहिंदे जो ध्यान नाल देखते हैं, बाली रोवै नाहे पतार, नानक दुखिया सब संसार, यू नेम इट। किते झात मार के देख किहड़ा शख्स आ जिहड़ा दुख विचों नहीं गुजरदा, किहड़ी हस्ती है जिसने जीवन दे विच दुख नू नहीं अहसासिया या दुख नू नहीं वेख्या। इह डेफिनेटली इह ते जीवन दा पार्ट आ, पार्ट एंड पार्सल हैगा, इहदे तो असीं दौड़ नहीं सकदे, ते नाल ही रहेगा। पर हाँ, दुख दा होना, दुख दा आउणा, दुख वारियां कंडीशनस आले दुआले बिल्ट होणियां, इह नैचुरल प्रोसैस आ। पर अगला पड़ाव इह है कि बंदा उन्हां कंडीशनस दे विच किवें रिएक्ट करदा है। जे दुख आया, तकलीफ आई, या मन पाउंदी अवस्था किते नहीं मिल पा रही, तो सिकदम विचलित हो जाइए, तो विचलित हो के उस दुख नू, उस अवस्था नू, उस जो साढ़े वास्ते अनकंफर्ट हैगा या कुछ भी है, उसनू असीं अपने ते हावी होण दईए, फिर मनुख दे तौर ते असीं छोटे हो जावांगे। बाबा जी इहदी बात करदे दे विच, दुख ते आएगा, तकलीफां ते आउणगियां, सफरिंग ते रहेगी, ए सोरोफुल मूवमेंट हेयर एंड देयर वी गोना फेस, वी गोना गो थ्रू विद दैम, बट द सेम टाइम एज ए ह्यूमन बींग आर वी गोना अलाउ दैम टू डिस्ट्रॉय आवर लाइफ, आर वी गोना एक्चुअली अलाउ दैम टू डायरेक्ट अस इन देयर ओन वे, नो। इत्थे फिर रूहानी शख्स जिहड़ा आ उदी फिर बात कीती गई है, जो नर दुख मैं दुख नहीं मान, दुख ते आ रहा आ, दुख ते उसे रूप च जिहड़ा हैगा मिल रहा आ, पर ओ उसनू उस लैवल ते मनदा नहीं, उन्हूं मानता नहीं दिंदा, उसनू उस लैवल ते अपने उत्ते टुकण नहीं दिंदा। इहनूं होर सरल कर लिया जाए, जिवें सपोज कोई असी कमकार करदे आ ते उहदे नाल हुंदा की है, मसल एक शरीर पीड़ करदा है, दुखेगा, कोई कम करांगे ते कम करदे आ शरीर दा थकना बड़ा जरूरी है, लाजमी है, होए कि उस शरीर दे थकण दे करके असी उह कम करना छड़ दईए। असी कहीए भी आपां ते शरीर नूं मूव नहीं करना हुण, क्यों, क्योंकि शरीर जिहड़ा हैगा आ कम करके थक जांदा आ, ते इहदा इक ही चंगी चीज़ आ, होएगा कि डेफिनेटली एक तो कम नहीं होएगा, दूसरे नंबर दे उत्ते शरीर लेजी हुंदा लगा जाएगा, लेजी हुंदा लगा जाएगा। फिर एक समय ऐसा भी आएगा जिसनों बिल्कुल तुसी किसे तरीके नाल मूव नहीं करोगे, तो इहदे लई बहना उठना भी मुहार हो जाएगा, उहदे नाल भी तकलीफ होएगी, क्योंकि मसल जिहड़े ने उन्हां नूं डिवेलप करन वास्ते ते उन्हां नूं उस एक्सरसाइज चों कढ़ना पएगा, तो उहदे च पीड़ा तो होएगी, तकलीफ तो होएगी थोड़ी बहुत। ये सारे रूप में जे कोई बंदा उसनू पीड़ नू बहुत ज़्यादा मन लवे भी ओ हो ना 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 मैं तो बाँह नहीं मूव कर सकता, बाँह मूव किते तो मैनू जिहड़ा हैगा आ बाँह थक जाती हैगी, ना भाई, ये तो मूव करेगा हौली हौली लगातार मूव करेगा, ये मसल डिवेलप होणगे, तो मसल सिर्फ फिजिकल नहीं होंदे, कहा गया आ कि बंदे दे अंदर एक मैंटल जिहड़ी हैगी है वह भी मसल एबिलिटी होंदी है, किसी चीज़ नू कैरी करना, किसी चीज़ नाल डील करना, किसी सिचुएशन दे विचों अपने आप नू सालम कढ़ना, साबत कढ़ना उस रूप दे विच। सो जिहड़ा असल रूहानी अध्यात्मी शख्सियत या अध्यात्मी तौर ते अवेयर शख्सियत या
जो नर दुख में दुख नहीं माने ओ ना रहो, उदी गल कीती जा रही है। फिर क्या महाराज बयान कर दे कि सुख स्नेह अर पै नहीं जाके, पै डर। सुख स्नेह जिथे सुख स्नेह है उथे डर भी है। सुख दी अवस्था च जी रहा बंदा मत जानो कि सिर्फ कंफर्ट ही जड़ा हैगा फील कर रहा है, कंफर्ट च ही रह रहा है ना, वो बड़ा फीयरफुल भी हैगा, वो बड़ा एक लैवल ते स्केर्ड भी हैगा आ कि किते मेरा कंफर्ट लूज ना कर जावा मैं, इत्थों पैया हुंदा आ डर। सुख सिर्फ सुख नहीं लैके आउंदा, डर भी नाल लैके आउंदा। स्नेह संसार दे सारे रिश्ते स्नेह दे उत्ते खड़े ने, ते रिश्ते बनाने भी असी स्नेह करके ही हाँ भी स्नेह मिले। स्नेह दे मायने इस तरह जाणो, कोई सानू बड़ा मिठा लगता आ, किसी नूं असी बड़े मिठे लगते हाँ, इत्थों स्नेह पैदा होंदा आ सारा। पर डर बनिया रहिंदा आ भी जिन्हों अज मैं मिठा लग रहा कितने कल नूं कौड़ा ही ना लग जावा मैं, इस करके मैनू छड्ड ही ना दे। या जिनू जिसनू सपोज मैं स्नेह करता हाँ तो उन्होंने डर लगता कि यही ना मैनू छड्ड दे, भय तो मौजूद आ। इस भय तो बंदा दौड़ नहीं सकता। ये चीज़ां रहिंदियां ते सच्चाई ये भी है, जितना बंदा भयभीत होएगा डरेगा उतना ही ज़्यादा सुख दुख तकलीफ वटदा लगा जाएगा, बदलता लगा जाएगा। सुख की अवस्था च बंदा पर डर बनया दुख ना आ जाए कितने, सुख कहदा है फिर तो बल्कि डर होर दुख दे रहा, उही अवस्था नूं बंदा पकड़ रहा। इसे नूं कहा गया बंदा प्रेम नहीं करता, बंदा कब्जा करता है, बंदा हर चीज़ नूं अपने कंट्रोल च करना चाहता है, ग्रिप करना चाहता है। जिवें सपोज करो एक जीवन का लहजा आया, असी नॉर्थ अमेरिकन इनवायरमेंट च रहिंदे आ, इत्थे कहा गया हाँ कुछ सुखद हालात बंदे नूं अपना कंफर्ट अर्न करना चाहिए आ। ठीक है जी, कर लिया, घर भी आ गया, गड्डी भी आ गई। हुण सोचिया भी घर ते गड्डी एवें रहन, इहदे वास्ते कदी गवाचण ना, होर एफर्ट पाउणा आ। घर मान लिया थोड़ी देर लई, वह बाद च मान लवांगे, पहला इस नूं थोड़ा जिहा होर ज़्यादा जिहड़ा अपने कंट्रोल च कर लवां, होर ज़्यादा फाइनैंशली कंफर्ट जोन चला जावां। वह गड्डी नहीं नहीं अजे होर थोड़ा, एक्चुअली हुंदा कि एक भय है, लॉस ना हो जाए कितने, गुम ना हो जाए कितने, गवाच ना जाए, इस कंफर्ट नूं होर फड़ लवा, होर फड़ लवा, हो उस भय दे विच ही कोई कंफर्ट नहीं, अनकंफर्ट हो जाता सारा कुछ, कोई स्नेह नहीं। स्नेह तो मिठास है ना, प्यार है, वो प्यार है कितने है, डर ही बनया, डर ही बनया अंदर। ये जिहड़ी ह्यूमन टेंडेंसी है इतनी जोरावर आ, इहदे तों बाहर आउणा नामुमकिन आलमोस्ट। बाबा जी कहिंदे यही अध्यात्मकता है, यही स्पिरिचुअलिटी है, टू कम आउट ऑफ दैट सोर्ट ऑफ टेंडेंसी, इत तो बाहर आ जाना। जिस नर की गल हो रही है दे विच, जिस आइडियल स्टेट ऑफ माइंड नू इंजॉय करने वाले बीइंग की गल हो रही है, इतने बाबा जी की गल करते जो नर दुख में दुख नहीं मानना, सुख स्नेह अर भय नहीं जाकै, उहदे कोले भय नहीं, कंचन माटी मानना, कंचन माटी, कंचन सोना आ, सोना किस मंडी च मिट्टी हो जाता है, दुनिया तो किसी मंडी च नहीं होता, दुनिया तो किसी मंडी के जीवन बात ही छड़ो, आपको शायद पता होएगा सारी दुनिया जो झाड़ू लाउंदी है, जो ब्रूम करती है, तो वह अपने जिवें कोई शॉप या दुकान या घर या बाहर नूं लाउंदी है, चलो कूड़ा बाहर जाना चाहिए, कूड़े का अंदर की करना है। दुनिया का एको ही शख्स आ जिहड़ा झाड़ू बाहर ने अंदर नूं लाउंदा आ सुनियारा, क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है सुनियारे की कार सोने की है, भी कितने ऐसा ना होए कितने भुलेखे नाल ही, कितने तरीके रिके तरीके दे नाल, कितने सोने की इन्नी रत्ती भी डिग गई, ओ हो बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो तो मिट्टी नूं भी सोना मनदा आ। बाबा जी इत्थे कहिंदे कंचन माटी, सोने नूं मिट्टी मने, बाबा जी क्या तुसी बात कर दी ये। हाँ ये सच है, सोना सोना आ, पर चेते रखिया जे वो सोना मेरे लिए मिट्टी है, जिहड़ा सोना मेरा है नहीं गा, बस यही है। जिहड़ा बंदा ये दूजियां दी सोन झाल वेखदा ना, चमक दमक वेखदा, अंदर जैलस, अंदर एनवी कॉम्पलैक्स,
अंदर एक तरह का ईरखा द्वैख का रंग चढ़ता, हाय 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 आ की बन गया, वह मिट्टी कर दिता, बहर आ जाता है। उसनू कोई मायने नहीं इस गल दे। बाबा जी गुरु तेग बहादुर साहब का बचन आ, तो तुम गुरु गोबिंद सिंह महाराज उन्होंने तो तीरों भी सोना लगा हों, तीर दे अगे सोने की कणी लगी होंगी सी, जिथे जाके तीर लगे उदा जड़ा सारा खास करके इंतजाम आ, जे ते डैथ हो जाए तो फिर उस सोने दे नाल उदा दाह संस्कार दफन जो करना कीता जा सके, तो जे कि जख्मी हो जाए तो फिर अपना ट्रीटमेंट करवा लवे नाल ही। हालांकि मैदान जंग च कोई नहीं सोचता एवें भी एवं, बाबा जी कहिंदे नहीं नहीं फिर भी भाई जिन्हों असी जख्मी करांगे इलाज भी असी करावांगे, उदा जिहड़ा साढ़े तीर नाल जाएगा उहदे दाह संस्कार का इंतजाम भी असी करांगे। क्या कमाल है, मैं सोचदा ऐसी अज भी लोगों को एहसास नहीं कि मानसिकता हो सकती है। हाँ भाई बिल्कुल, गुरु बाबा जी ने जी इस चीज़ को सानू विखाया सारा कुछ जी के। खैर जिहड़ी बेनती करन लगा सीगा, सोना हर मंडी विच कीमती है, सोना हर समय विच कीमती है, सोने नू हर बंदा चाहुंदा आ, पर सच्चाई ये है कि वह सोना कहिंदे ने पट पे सोना जिहड़ा कन्ना नू खावे, वह सोने का की करना आ जिहड़ा जीवन का दुखी बन जाए। सो इसलिए बयान यह किया गया कंचन माटी मन है, जिहड़ा अध्यात्मी तल दे उत्ते अवेयर हो गया उहदे लई फिर सोना मिट्टी हो गया, उहदे अंदर इस किस्म की कशिश खत्म हो गई चमक दमक की, इस किस्म की दुनिया जिहड़ी भय देंदी है, जिहड़ी स्नेह नू भय विच वरता देंदी है, जिहड़ी सुख नू भय विच वरता देंदी है, जिहड़ी दुख नाल नजिठण ते जूझण नहीं देंदी, ऐसी दुनिया वह त्याग देंदा है। वह फिर इस सारी चीज़ नू भावें कंचन भी क्यों ना होए उसनू मिट्टी मन जाता है। ये किस्म का थॉट गुरु बाबा जी ने इहदे च सानू प्रजेंट किया। जे बाणी महाराज के बचना नू अगला शब्द अगला हिस्सा वेखदे हां, गुरु रामदास साहब जी का पावन गुरपुरब भी है, शाम नू बात करांगे डिटेल दे विच, ते पर बात यह है कि गुरु रामदास साहब का जीवन यापन देखोगे, अज असी सारे जिवें पहले बेनती की कंफर्ट लभ रहे हैं, सुख लभ रहे हैं, सुखमई अवस्था के मगर भज रहे हैं। गुरु रामदास साहब का जीवन जिन्हों क्या पूरी हुई करामात, एक अपने आप च मिराकलस चीज़ आ करामात, मतलब जन्म जात माँ बाप का चले जाना, अनाथ हो जाना, जिथे इस तरीके की मतलब परवरिश होएगी बंदा कहेगा भाई ये तो बहुत दुख है। पर हकीकत यह है ये दुख ही बंदे नूं कुछ बनाउंदा है, कदी भी कंफर्ट विचों कुछ चीज़ां नहीं निकलियां। अक्सर दाने लोगों ने कहा वड़े वड़े बिरख असी इत्थे इन्हां मुल्कां दे च मेपल दे वड़े वड़े ट्रीज देखते हैं, असी जिहड़ा हैगा आ पाइन ट्रीज देखते हैं, वह आसमानी छूंदे हुए घरां दे गमलियां च थोड़ा होए ने ना, घरां दे गमलियां ते छोटियां छोटियां वाइनरीज ते वेलां वगैरह होंदियां ने, बस उन्हां दे उत्ते छत्तां पईयां ने, उन्हां नूं सवेरे शाम दो वारी कोई निहारदा आ, कोई उहदे पत्ते साफ करदा हफ्ते बाद, कोई उहनूं पाणी पाउंदा आ, बड़ी केयर कीती जांदी है। वो एक डेकोरेटिव पीस हो सकता है, वो किसे लई छां नहीं बन सकता, वो इस एनवायरमेंट दे विच बहुत वड्डा कंट्रीब्यूटर, ऑक्सीजन देण वाला, लकड़ देण वाला, छां देण वाला वो नहीं बन सकता। वो तो बनन वास्ते फिर उन्हें खुले मैदान दे विच वाइल्ड उत्थे उगना पएगा, तो कल्ला उगना नहीं पएगा, उत्थे मौसमां दी मार भी सहनी पएगी, उहदे सिर दे च सनोआं पैणगियां, उहदे सिर च बरसातां पिया करनगियां, गर्मी तपश पएगी, तूफान उहनूं आके झंझोड़िया करनगे, सरूप दे विच सारे दे गो थ्रू जाएगा, तां बनेगा उस रूप दे च, उस मेपल दे रूप दे अंदर। या साडे उस एनवायरमेंट च गल करिए, पिप्पल बोर्ड पिलखणा वड्डे वड्डे दरख्त आपने देखे होंगे, वो कितने बाग बगीचियां च किसी माली ने नहीं लाए ना, माली ला कर उन्होंने गोडी करता ऐसा कुछ नहीं गा, एहो जे बोड़ एहो जी पिलखणा एहो जे पिप्पल कितने खूहां दियां मानां ते उगे ने फोर्सफुली, पता नहीं किन्नी किन्नी वार किसी ने वड्या होना कुहाड़े लाए के, वड्डोए की लोड़ नहीं है, फिर उग गया, फिर उग गया, अखीर एडा वड्डा हो गया
कि हुण किसे लिए वड़ना भी जिहड़ा पॉसीबल नहीं है। उस रूप दे चो विशाल काय बनिया। मतलब असी कहने दुख तकलीफा ये माड़ी चीज़ है। बाबा जी कहते ना ये घटदियां ने जिंदगी। चलो बात गुरु रामदास साहब की कर रहे हैं, नॉर्म मॉडर्न वर्ल्ड आ जाइए। अमेरिका साढ़े नाल है, दुनिया की सब तो पावरफुल जिहड़ी है खिता रीजन स्टेट कह लो। इतों का जिहड़ा प्रेजिडेंट आ ऑलमोस्ट क्लोज टू डिकटेटर होंदा आ। हालांकि उसकी अकाउंटेबिलिटी होंदी है टूवर्ड कांग्रेस एंड टूवर्ड एक्चुअली सैनेट, बट स्टिल उसनू जिहड़ा है डोनाल्ड ट्रंप वर्गा बंदा पूरा 4 साल मुसीबत ही पई रही, कहिंदे नू इंपीच करो, इस तरह कुछ नहीं कर सके। इट्स नॉट एक्चुअली जिहड़ा हैगा कुछ, मतलब बहुत नामुमकिन प्रोसैस है सारा। इन्ना ताकतवर अहुदे ते पहुँचना ते फिर इन्नियां स्टेट्स तो जिहड़ा हैगा विन करके पूरे प्रोसैस विच्चों निकलना। आप हैरान होवोगे अज तक दे जिन्ने प्रेजिडेंट बने ने मोस्टली प्रेजिडेंट वो ने जिन्हां दे बचपन दे विच किते माँ नहीं है, किते पिता नहीं है, किते दोवें नहीं है। मतलब है कि जदों जीवन कढ़िया जाएगा इस तरीके दे दुखां विच्चों निकलिया जाएगा। गुरु रामदास महाराज पूरी होई करामात, करामाती जीवन है, दुखां दे उस पूरे शव विच्चों निकलदा है। तो जदों निकलदा तो फिर ऐसी अवस्था च पहुँचदा चौथी पातशाही। एक ब्रिजिंग कर रहे ने पूरे दी पूरी, गुरु नानक दे स्कूल ऑफ थॉट दे कर्णधार बनते हैं। तो उस अवस्था च बनते थे साडा मरकजी स्थान अमृतसर स्थापित करते हैं। वो आके ये हस्ती असल दे विच जिसने एज ए कम्यूनिटी उस लैवल ते लिया के खड़ा कर दिता, जिदे तो बाद ये मनिया गया कि हुण इस कम्यूनिटी नूं कोई वाइप आउट नहीं कर सकता। हर तरह का बिजनेस, हर तरह का कारोबार, हर तरह की स्किल पूरे का पूरा लाहौर दियाँ बिल्कुल सतहां दे विच एड्डी वड्डी मंडी, एशिया की वड्डी मंडी स्थापित कर दी। तो कल्ले व्यापार करने वाले लोग नहीं गए, ना ना ना, व्यापारियों के नगर वस्ते तो उजड़ते हैं रोज़। एक अध्यात्मी तल के उत्ते, एक स्परिचुअल लैवल के उत्ते लोगों को इंगेज किया गया, एक सेंस ऑफ कम्यूनिटी दी गई जिहड़ी किसी असूलों के उत्ते बिल्ड आ, जिन्हां की पहचान ही सिख आ, सीखना। पीपल हू आर seeker of knowledge, people who are learner, people who really want to learn their actually way of life according to guru school of thought, unna di baat kiti gayi. Eh guru ramdas maharaj hai, par eh hai dukh nu raste da hurdle nahi banan ditta, dukh nu energy ch convert kita. Ehi misal hai saadi, sham baat paavange te deep level te, par jo bachan aaya guru maharaj guru tegh bahadur sahib ji da, उसे तो असी बात कर रहे थे कि सुख स्नेह अरपै नहीं जा के कंचन माटी मन है रहा। हुण ज़्यादातर साड़ी एनर्जी जिन्हां चीज़ों के उत्ते वेस्ट हुंदी है, बाबा जी ने उसकी बात की नह निंदिया नह उस्तत जाके लोभ मोह अभिमाना, नह निंदिया सवेर तो शाम तक मूँह का कम बोलना, कन्ना का कम सुनना, ना बोलने कोई ताब ना स्रोत में कोई ताब, किसी के बाबत माड़ा बोल रहे हैं, किसी का माड़ा सुन रहे हैं, बस निंदिया यही है, एनर्जी वेस्टिंग है, नथिंग एल्स। किसी की पत्सना किसी बाबत, मतलब ये कढ़न पाउण तो कुछ भी नहीं है, पर बंदा लगा है, हालत ऐसी। आप देखो साड़ी 99% जिनी गलबात है वह मजमून जोड़ा आदि जी सबजैक्ट लाइन आ, एक किसी की बैड टॉक, किसी बाबत बैड टॉक आ, किसी के बाबत असी बस निंदिया ही कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं। इस रूप नह निंदिया जे जो थोड़ा बाहर निकले, बाबा जी ने दूसरा लफ्ज लिखा है नह उस्तत, उस्तत स्तुति, अपने आप को वड्याउणा, बस अपने अपनी वड्याई के उत्ते फोकस करना। जे कोई मैनू वड्याए मैनू चंगा लगता, जे कोई ना वड्याए मैनू बड़ा बुरा लगता, बस इस चीज़ से इतों ही बंदा हंकार वधदा आ। तो इतों साढ़े आले दुआले फिर जो जमावड़ा कट्ठा होंदा, साढ़े चापलूसा का कट्ठा हो जाता है, बस यहोजे लोग जोड़े सही गलत होए ना होए, बस सानू वड्याई जाणगे, असी सानू बड़ा चंगा लगेगा, हाँ बड़ा वधिया। बंदे दी ये जिहड़ी असल आत्म उसारी है किवें हो सकती है? घरां दे विच ईवन साढ़े अपने
ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਕਰਦੇ ਜੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ 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 ਆਈ ਕੈਨ ਨੋਟ ਐਕਚੁਲੀ ਐਕਸੈਪਟ ਇਟ ਇਹ ਹਾਲਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਤੁਤੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਹਦੀ ਕਰਨੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚਾਪਲੂਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕੇ ਸਲਾਹੁਣ ਯੋਗ ਆ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਲਾਹੁਣਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਰਚੂ ਹੈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਗੁਣਾ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖ ਦੀ ਬਾਤ ਆ ਪਰ ਜੈਸੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਮਨੁੱਖ ਇਨ ਜਨਰਲ ਅਡੋਪਟ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹਦੀ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਬਾਬਤ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹਿ ਉਸਤਤ ਜਾਂਕੈ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨਾ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਤੇ ਅਭਿਮਾਨ ਇਹ ਉਹ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਸ ਆ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਦਾ ਅੱਖਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲਾਰਮ ਨਾ ਹੀ ਹੋਏ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਏ ਐਵੇਂ ਬਸ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਲਾਰਮ ਦਿਨ ਕਾਥੋਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਓ ਮਾਈ ਗੋਸ਼ ਰੀਅਲੀ ਓ ਇਟਸ ਮੋਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਮੰਡੇ ਮੋਰਨਿੰਗ ਓ ਮਾਈ ਗੋਸ਼ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਹਾਰਡ ਆਈ ਕੈਨ ਨੋਟ ਐਕਚੁਲੀ ਲੀਵ ਬੈਡ ਬਟ ਸਟਿਲ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਥੋਟ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਉੱਠ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ ਜੇ 15 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੇ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਔਨ ਵਰਕ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਔਨ ਟਾਈਮ ਲਾਲਚ ਸਵਾਰਥ ਇਹ ਦੜਾਉਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਓ ਲੱਗੇਗਾ ਮਾਈ ਗੋਸ਼ ਡਿਕਸੀ ਰੋਡ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡੈਰੀ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਝ ਜਾਣੋ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟੋਰੋਂਟੋ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਦੇਰ ਆ ਉਹ ਰੇਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰੇਸ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਹਲ ਪਈ ਹੈ ਕਾਹਲ ਪਈ ਹੈ ਲਾਲਚ ਭਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਲਾਲਚ ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਯੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੂਜ਼ਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਗੋ ਹੈਡ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਭਜਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦੇ ਪਰ ਹਾਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਆ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬੰਦਾ ਕਰੈਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਆਏ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਬਸ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਸਿਹਤ ਹੀ ਚਲੀ ਗਿਆ ਭਾਈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਦੌੜ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨਾ ਦੂਜਾ ਮੋਹ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੇ ਤੀਜਾ ਅਭਿਮਾਨ ਈਗੋ ਅਹੰਕਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਆ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਅਹੰਕਾਰ ਇਹ ਹਉਮਾ ਹੈ ਈਗੋ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਆਹੀ ਸੰਸਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਂ ਲੋਭ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਮੋਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅਹੰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਬਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਨਾ ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਲਾ ਲੋਭ ਅਤੇ ਲੋਭ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਭ ਉਹ ਬਰਬਾਦੀ ਮੋਹ ਇਕੱਲਾ ਮੋਹ ਨਾ 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 ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਭਿਮਾਨ ਅਹੰਕਾਰ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜੀਣਾ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਆ ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰੋ ਨਾ ਹੈ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ ਹਰਖ ਸੋਗ ਇਹ ਵੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਹਰਖ ਖੁਸ਼ੀ ਸੋਗ ਅਫਸੋਸ ਸੈਡਨੈਸ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਚੁਲੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਜੀਵਨ ਤੁਰਿਆ ਲਗਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਰਖ ਸੋਗ 'ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰੋ ਨਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ
ना है मान अपमाना, मान अपमान, किसी ने मेरा मान करता, किसी ने मेरा अपमान कर दिता। बहुत नैरो माइंडड होकर असी सोचते, आले दुआले वरतद होया ये एहसास ना करते कि रीजन की है, ये पिछे असल रूट्स की आ रहे ने ना, बस माड़ी जी गलती मैनू बुलाया नहीं, या फलान ने उन्हें मैनू बड़ा अगे वध के बुलाया, वह लालच स्वार्थ हो सकता, कुछ हो मैनू मिसयूज करना हो। जिहड़ा नर अवेयर है दे बारे इन्हां चीज़ों चो बाहर आ जाता, वो बिल्कुल रूट्स नू देखता, रियलिटी नू देखता, सचियार हो रहा ना वो। आसा मनसा सगल त्यागा जगते रह निराशा, आसा मनसा, वैसे आसावां सानू तोड़ दियां ने, एक आसा दे पिछे हजारां आसा होर बैठियां ने, मनसा जिहड़ियां मन दे वलवले ने सारे दे सारे, वह सारे त्याग दिते। जगते रह निराशा जिहड़ियां जगत पाबंदी दे विच सारियां ये आसावां दी सारी एक वर्लफूल एक बवंडर आ, एहो जिहा नर फिर इस तों बाहर आ गया आ। काम क्रोध जिहे परसै ना हन तिहे घट ब्रह्म निवासा। काम क्रोध वाशना ते क्रोधा बिरति ये पोए भी ना छूए भी ना इस तरीके दे नाल। वैसे तो बंदा सोच करके तो जींदा ही इहदे विच आ, आइदर वाशना रन कर रही है सानू, अदरवाइज क्रोध, बस दो ही चीज़ां ने, अग्रैशन ते लस्ट, दैट टू फोर्सिस विच आर ऑलवेज एक्चुअली डोमीनेटिंग इन आवर थॉट्स। सो बाबा जी सेइंग वन हु इज कमिंग आउट ऑफ दैट काइंड ऑफ थॉट प्रोसैस, उहदी गल हो रही है इहदे विच। बचन आया काम क्रोध जह परसें ना हन तेह घट ब्रह्म निवासा, उस घट विच ब्रह्म का निवास हो गया, वह पार ब्रह्म के नेड़े चला गया। बाबा जी बड़ी आदर्शक बात की तुसी, पर आखिरकार इन अटेन करने का कोई तरीका भी तो होएगा। अखीर गुरु महाराज ने फिर मैथड दसिया है, मैथडोलॉजी तरीकेकार का, वो की है गुर कृपा जे नर को की नहीं, जिस नर दे उत्ते, क्योंकि जो नर दुख में दुख, उस नर की गल हो रही है, क्या जिस नर ते गुरु ने तरस कर दिता, गुर कृपा जे नर को की नहीं, तेह ए जुगत जुगत मैथड मैथडोलॉजी तरीकेकार का, उन्होंने यदि पहचान आई, उन्होंने आ गई जाच भी हाउ टू डील विद दी सोर्ट ऑफ एक्चुअली सिचुएशन और दी सोर्ट ऑफ ह्यूमन टेंडेंसीज, मनुखी प्रवृत्तियां दे इस रंग दे नाल किवें नजिठना आ, उन्हों समझ आ गया। बचन आया गुर कृपा जे नरको कीनी ते ए जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद स्यो ज्यों पानी संग पानी। ये नानक कह ओ मनुख, ओ आत्मा, ओ रूह उस करतारी रंग जिस तरह रंगी गई, इस तरह आत्म साथ हो गई, ज्यों पानी संग पानी, जिवें सजात हो जाता पानी, पानी चम आ जाता बर्फ का लोदा, जिवें सूरज की किरण मिलती पैंती उहदे उत्ते पिघल के पानी दे विच हम आ जाता जाके, वह आत्मा उस परम आत्मा उस परम पार ब्रह्म दे विच हम आ जाती समा जाती। साहब रहमत करन इन्हां आलमी अलाही वाकां की सिख्या साडी सुरत च वसे, दिली दुआ है। धन गुरु रामदास महाराज जी के पावन पुरब दिया बहुत सारिया मुबारक, शाम के दीवाना दे विच उन्हां दे जीवन यापन दिया कुछ रिश्मां दी बात पावांगे। हुण वास्ते समा समाप्त है, भाई साहब समापन कराउंदे ने, मैं इजाजत चाहांगा सब प्रेम आवाज़ दे के कहना जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।